तेलंगाना के शहर वरंगल के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कॉन्फ्रेंस के उनवान पर अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे आम में सैयद मोहम्मद हाशमी मियां ने अपने वलवला अंगेज़ तकरीर से सबका दिल जीत। वो मीलाद के मौके पर पहली मरतबा वरंगल में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और उनकी ज़िंदगी और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सिख, हिंदू, ईसाई, यहूदी हर फर्द के नबी हैं। वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं। या कोई पत्थर दे दो तर्जुमाने और चाहने वालों के सीने में अभी तक मौजूद तुमने बख्शा था जो कुरान अभी सीने से हमें करबला वालों का फैजान अभी जिंदा है और तुमको आए ना सुन्नत को बस यही करके माइक दे दे रहा हूँ कि दीन में कम नहीं सकता अभी कोई तरबीर सलातों में सलाम अलैका या सैयदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। जहनसाब कर लो भारत में रहने वालों तुम्हारा रसूल सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं वो हिंदुओं के लिए भी रसूल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सिखों के लिए भी ईसाइयों के लिए भी यहूदियों के लिए भी नेशनलिस्ट के लिए भी कम्युनिस्ट के लिए भी सोशलिस्ट के लिए भी अपॉर्चुनिस्ट के लिए रहमतुल्लिल आलमीन रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया आई एम मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर एवरीबडी। ये बात आप अपने हम वतन को बताइए कि भारत के 135 करोड़ के लिए रसूल हैं, अल्लाह 18 करोड़ के लिए बस फर्क यह है। एकेडमिक कोई बनाए तो बता रहा हूं मेरे नबी की दो किस्म की उम्मत है, उम्मत है उम्मत की दो किस्में हैं। जिसने रसूल को मान लिया और जो अभी तक लिस्ट वेटिंग लिस्ट में है नहीं माना, जिसने मान लिया वो उम्मते इजाबत और जो वेटिंग लिस्ट में है वो उम्मते दावत। तो ये जो बगदाद छोड़कर लोग ढकन आए ये भी रसूल की उम्मत दावत के लिए इसीलिए हमने कहा सुन्नियों कुछ काम छूट जाए तो छूट जाए मिरर मत छोड़ना। कई लोगों ने मौजिजात देखे और नबी को अल्लाह का बेटा बोल दिया इब्नुल्लाह कह दिया क्योंकि दुनिया जानती है चमत्कार को नमस्कार क्योंकि वो मिलाद नहीं करते थे। मिलाद ये बताता है कि तेरा नबी पैदा हुआ है तो जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। इसीलिए जितने पैदा हुए हम किसी को खुदा नहीं मानते। पैदा होता है मैं पैदा हुआ तो मेरा जन्म स्थान भी है मेरी जन्मभूमि तो ये जब तक मैं जन्मभूमि को याद करूंगा खुदा नहीं मानूंगा। खुदा है तो फायदा होना गलत फायदा मानते हो तो खुदा होना गलत। तो जब तक तुम नबी को पैदा हुए कहते रहोगे उन्हें खुदा नहीं समझोगे
क्योंकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, इनकी हुई है बेलादात, तो इस मीला के मुस्तफा ने हमें चीज से बचा लिया। आगे बोलो, क्या बन कर रहा है? और इन रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, आप ऐलान करें या कहें आप कि मैं सबके लिए रसूलुल्लाह हूं। मेरे घर लड़के की मीलाद हो तो जश्न मनाएगा, मेरा बेटा जज्बा क्या, मेरा बेटा, ताकत मेरे में है, पड़ोसी का बच्चा पैदा हुआ, हाँ अभी मैं बिजी हूं बाद में मिलूंगा, अपने घर बेटा हुआ दुकान छोड़ के भाग के आया, पड़ोसी का बच्चा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पड़ोसी का बेटा है उसका मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, ये मेरा बेटा मैं कैसे मनाऊंगा? तो 12 रबीउल अव्वल को वही मनाएगा जो समझेगा मेरा नबी आया। अब अगर किसी को मीलादुन नबी से तकलीफ हो तो लड़ना मत, हम शांति अमन शांति देश को बहुत चाहिए, लड़ना मत, समझ जाना पड़ोसी है। एक बात और बताऊं, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ तो थोड़ा, ये कितना खूबसूरत मौका है कि महबूब इलाही निजामुद्दीन महबूब इलाही का गुलाम माशूक इलाही की जरूरत है।